गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज द एसिड ओके नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड फर्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है एसिड की फर्स्ट पॉइंट है एक्शन विद इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो सपोज़ हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास इसमें कोई एसिड रखा हुआ है सपोज़ हमने एस सी एल ही ले लिया है ठीक है हमारे पास क्या है एक ब्लू लिटमस पेपर है व्हेन वी पोर द सम ड्रॉप ऑफ एसिड ऑन ब्लू लिटमस पेपर इट विल बी टर्न रेड क्या हो जाएगा ब्लू जो लिटमस पेपर है इट विल बी टर्न इन टू द रेड और अगर हमारे पास सपोज रेड लिटमस पेपर है इस पर अगर हम एसिड पोर करते हैं वन और टू ड्रॉप तो ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा ठीक है एग्जाम्पल हमने सपोज हमारे पास हमें नहीं पता हमें एक टेस्ट ट्यूब दे रखा हुआ है इसमें कोई सॉल्यूशन गिवन है वो कहता है कि फाइंड आउट करो कि दिस सॉल्यूशन इज अ एसिड और बेस तो हमारे पास क्या होगा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन जो होगा देखो हमारे पास दो ऑप्शन है टू ऑप्शन होते हैं एक तो हम यूज़ करें नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर ओके तो नेचुरल इंडिकेटर में आपका लिटमस आता है क्योंकि ये लाइकेन से बना है और जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो उसमें जो एज फॉर एग्जांपल आपका फिनोफिलीन हो सकता है मैथिल ऑरेंज होता है तो ये इंडिकेटर्स तो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें पहले हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं तो हमारे लैब में सपोज़ एक ब्लू लेटमस पेपर गिवन है और हमारे पास रेड लेटमस पेपर गिवन है ठीक है तो सपोज़ यहाँ पे हमने ब्लू लेटमस पेपर लिया और हमने क्या किया वन और टू ड्रॉप जो सॉल्यूशन uh, था उसका हमने ब्लू लेटमस पेपर पे पोर कर दिया तो देन इट विल बी कन्वर्टेड इन द रेड अगर ब्लू इज़ कन्वर्टेड इन द रेड इट इज़ अ एसिडिक सॉल्यूशन और अगर हम रेड लेटमस पेपर पे पोर करेंगे तो इसपे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इसे प्रूफ हो जाएगा कि दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक सॉल्यूशन ओके नेक्स्ट आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी रिएक्शन विद मैटर्स एसिड व्हाट हैपन व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद मैटर देखो होता क्या है सपोज वी टेक अ टेस्ट्यू एंड एट Iron filling plus dilute so4 sabse pehle to ek cheez ye जो, when metal is react with acid, then forms salt and release the hydrogen gas. कभी भी metal अगर acid के साथ react करता है, तो वो हमेशा salt बनाएगा and hydrogen gas release करेगा. Okay? तो हमने कहा एक टेस्ट ट्यूब लिया वी टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड सम आयरन फिलिंग पाउडर एंड ऐड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या होगा एफ ई दैट इज अ मेटल एंड दैट इज अ एफ ई क्या करेगा यहाँ से एसो फोर के साथ रिएक्ट करेगा बन दन इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द एफ ईसओ फोर सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी तो कभी भी वैन मेटल इज रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्म अ सॉल्ट एंड रिलीज द हाइड्रोजन गैस सपोज हमने दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लो सोडियम इज रिएक्ट विद एसियर डायलूट एसियर देन क्या होगा जो ये मेटल है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द सोडियम क्लोराइड एंड रिलीज द हाइड्रोजन गैस ठीक है एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सपोज हमारे पास जिंक ग्रैन्यूअल्स दे रखे हैं और इसमें हमने क्या है? किया डायल्यूट एस टू एजो फोर एड कर दिया जिंक क्या है दैट इज अ मैटर एस टू एसो फोर दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड जिंक क्या करेगा सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा दैन इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द जेड एन एसओ फोर प्लस रिलीज द हाइड्रोजन गैस तो कभी भी जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सॉल्ट एंड रिलीज द हाइड्रोजन गैस अब क्वेश्चन एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद एसिड एनी टाइप ऑफ मेटल ठीक है दूसरा ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो गैस रिलीज हो रही है हाउ टू आइडेंटिफाई दिस गैस ठीक है एक चीज़ एक और ध्यान लो कॉपर जो होता है जैसे हमने मेटल एक्टिविटी सीरीज लिखी थी हाइड्रोजन के बिलो जितने भी मैटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं ठीक है एग्जांपल, जैसे सपोज हमारे पास कॉपर गिवन है और कॉपर में हमने डाइल्यूट एसियल अगर डाल दिया तो ये रिएक्शन नहीं होगी ठीक है अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अगर सपोज हमने इसमें एफ लिया आयरन की फिलिंग लिया और इसमें हमने डायल्यूट एस टू एस ओ फोर या डायल्यूट एस सी एल ऐड कर दिया तो इस हम कह रहे हैं गैस रिलीज़ हो रही तो आइडेंटिफाई दिस गैस अब हम इस गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है एक बर्निंग मैथस्टिक लेकर के जाते हैं जैसे इस टेस्ट ट्यूब के पास लेकर के जाएंगे टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर के जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा प्लस ये बर्निंग मैचस्टिक जो है वो और फास्टली बर्न करने लगेगी तो इससे प्रूफ हो जाता है अगर मैचस्टिक ट्यूब के माउथ के पास ले जाने के बाद अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस होता पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है और मैचस्टिक और फास्टली बर्न करने लगती है तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो गैस रिलीज हो रही है दैट इज अ हाइड्रोजन गैस ओके तो ये सेकेंड पॉइंट है थर्ड पॉइंट क्या कहता है वॉट हैपन वेन एसिड या मेटल कार्बोनेट इज रिएक्ट विद एसिड और मेटल बाई कार्बोनेट इज एसिड तो देखो मेटल कार्बोनेट हो अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर करें हम यहाँ पे एसिड लिख दे रहे हैं सिंपली एसिड के साथ रिएक्ट कर करा वेन मेटल कार्बोनेट इज रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर सेपरेट हो जाएगा जैसे एग्जांपल देख लेते हैं सपोज हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और ये एसिड एसिड हमने ले लिए एस के साथ रिएक्ट करा देखो कार्बोनेट है तो पहले तो ये कैल्शियम जो है मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा सॉल्ट बन गया हमारा कार्बोनेट है इसलिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो रिएक्ट करेगा वो वाटर का फॉर्मेशन करेगा कभी भी अगर कहता है कि वॉट हैपन वेन मेटल कार्बोनेट इज रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्म सॉल्ट ओके रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सेपरेट द वाटर अच्छा ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है व्हाट हैपन वेन वी पोर द एनी टाइप ऑफ एसिड ऑन द सर्फेस ऑफ मार्बल मार्बल क्या होता है दैट इज अ सी एस ई थ्री लाइम स्टोन भी हम इसी को बोल सकते हैं लाइम स्टोन पर क्या uh, पूछ सकते हैं कि वॉट हैपन वैन वी पोर द सम अमाउंट ऑफ एसिड ऑन द सर्फेस ऑफ मार्बल तो क्या होगा कैल्शियम क्लोराइड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर आपका सेपरेट हो जाएगा एक और रिएक्शन देख लेते हैं सपोज हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है एन ए टू सी ओ थ्री और इसकी रिएक्शन हमने एस सी एल के साथ करा दी देन इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द सॉल्ट क्योंकि मेटल कार्बोनेट है सी ओ टू रिलीज होगी और वाटर सेपरेट हो जाएगा तो बनेगा क्या एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ठीक है तो ये तो मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हो गई अब नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल बाई कार्बोनेट या फिर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाई कार्बोनेट इज रिएक्ट विद एसिड अगर मेटल बाई कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इज रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्म सेम कंपाउंड बनेगा जो कार्बोनेट में बनता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कभी भी अगर कोई भी मेटल बाई कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा एंड वाटर को सेपरेट कर देगा ओके okay? एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं सपोज सोडियम बाइकार्बोनेट इज रिएक्ट विद एस तो दैट इज अ मेटल बाई कार्बोनेट एंड दैट इज अ एसिड क्या बनेगा एन जो है वो सी के साथ रिएक्शन करेगा एन बनाएगा कार्बोनेट बाई कार्बोनेट है सी टू निकलेगा प्लस वाटर जो होगा सेपरेट हो जाएगा ठीक है अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वाट कैसे हाउ टू डिटेक्ट द गैस जो गैस रिलीज हो रही है दैट इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हमें कुछ नहीं करना है देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सपोज हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया इसमें हमने सी डाला कैल्शियम कार्बोनेट डाला और एस डाल दिया ठीक है अब इससे गैस रिलीज हो रही है हमें इसी गैस को आइडेंटिफाई कर है हम क्या करेंगे दूसरे टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब में तो हमने ये ले लिया रिएक्टेंट दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लाइम वाटर लेंगे दैट इज़ अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब ये जो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक पासिंग ट्यूब लगा देंगे ये है आपका ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं ठीक है पासिंग ट्यूब के थ्रू ये जो गैस रिलीज हो रही है उसको पास करा देंगे देखो ये फिगर में भी दे रखा है फिगर के थ्रू देखो सपोज हमने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया हमने अब ये जो गैस रिलीज है उसी को आइडेंटिफाई करना है तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या लिया यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी एस का लिया अब ये सी ओ टू गैस यहाँ से निकल रही है और इसमें जा रही है तो एक चीज ध्यान है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर जो होता है दैट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन जैसे ही हम सीओटू को इस कलरलेस सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो ये जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है वो मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो जाता है मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा क्यों हुआ वजह क्या होती यही पूछा जाता है देखो हमारे पास क्या था सीओ गैस रिलीज हो रही थी किसमें हमने पास कराया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास कराया दैट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन जैसे ही हमने CO2 इसमें पास कराया तो ये क्या हुआ कलरलेस जो सॉल्यूशन था वो मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो गया क्यों हुआ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ जिसकी वजह से जो ये लाइम वाटर था उसका कलर मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो गया तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है कि हाउ टू डिटेक्ट द द रिलीज गैस इज अ सी ओ अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप क्या करेंगे सी को तुरंत लाइम वाटर में पास करा देंगे ठीक है लाइम वाटर दैट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन जैसे ही आप इसमें सी पास कराएंगे तो ये कलरलेस सॉल्यूशन मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और रिएक्शन क्या होगी दैट इज अ सी प्लस सी का होल्ड ट्वाइस इज गोज टू कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर यानि कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से जो कलरलेस सोल्यूशन था देन इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द मिल्की वाइट अब एक क्वेश्चन और पूछता है क्वेश्चन ये अराइज करता है कि वॉट हैपन वेन वी एक्सेज अमाउंट ऑफ सी ओ टू पास इन द लाइम वाटर क्या होगा जब हम एक्सेज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में पास करा दें तो देखो होता क्या है हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर में पास कराएंगे तो वो मिल्की वाइट में कन्वर्ट होता है लेकिन जब एक्सेस कराते हैं तो ये मिल्की वाइट जो कलर आता है वो डिसपियर हो जाता है फिर से डिसपियर हो जाता है मिल्की वाइट जो कलर होगा वो डिसअपियर होगा क्यों होता है वजह होती है इसकी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाई कार्बोनेट कैल्शियम बाई कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से मिल्की वाइट जो होगा कलर वो फिर से डिसपियर हो जाएगा लेकिन क्यों कब होगा ये जब हम एक्सिस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे किसमें लाइम वाटर में पास कराएंगे ओके लास्ट पॉइंट क्या कहता है वॉट हैपन वेन एसिड इज रिएक्ट विद बेस तो ये तो आप सेवन से पढ़ते आ रहे हो कि एसिड कभी भी बेस के साथ रिएक्ट अगर करता है देन इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द सॉल्ट एंड वाटर कभी भी कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या होगा किसमें कन्वर्ट होगा सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओके तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल क्या है हमारा जैसे सपोज हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ अ बेस इज रिएक्ट विद एसिड एसिड में हमने ले लिया एस तो ये जब आपस में रिएक्ट करेगा तो एन जो होगा वो सी के साथ और एच जो है ओ OH एच के साथ दैट इज अ पॉजिटिव दैट इज अ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास देन इट विल बी कन्वर्टेड इन द सोडियम क्लोराइड एंड सेपरेट द वाटर एंड दिस रिएक्शन इज नाउन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि जैसे हमसे पूछा जाए जैसे घर पे क्या होता है जब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो मम्मी लोग क्या करती हैं मम्मी क्या करती हैं एक ग्लास वन ग्लास वाटर लेती हैं और उसमें बेकिंग सोडा ऐड करके और वो हमें पीने के लिए दे देते हैं तो बेकिंग सोडा जो होता है वो दैट इज़ अ बेसिक एना नेचर और हमारे स्टमक में रिलीज़ क्या हो रहा है एस दैट इज़ अ एसिड तो जैसे ही हमारे स्टमक में वो बेकिंग सोडा जाता है वो क्या करेगा एसिड इज रिएक्ट विद बेस देन फॉर्म अ सॉल्ट एंड रिलीज सेपरेट दॉटर तो हमें क्या होता है तुरंत एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जितने भी एसिड्स ऑल एसिड्स एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वाट एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं जैसे सपोज एस सी एल है हमने इसका एक्वा सोल्यूशन बनाया दैन इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द एच प्लस प्लस सी एल माइनस इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह वो बिहेव करेंगे एस टू एस ओ फोर का भी अगर हम बनाते हैं अच्छा अगर एस टू एस ओ फोर का भी हम एक्वस बनाते हैं एस टू एस ओ फोर अगर हमने इसका एक्वस बनाया तो क्या होगा एच प्लस प्लस एस ओ फोर है माइनस टू चार्ज रिएक्शन बैलेंस कर ओके अच्छा एक चीज और हम डिस्कस uh, कर लेते हैं कि uh, कभी कभी क्वेश्चन ये राइज करता है जो एसिड्स होते हैं ठीक है हमारे पास क्या है कि ड्राई एस है ड्राई एस है और ड्राई एस के पास ड्राई फॉर्म में एस सी अवेलेबल है इसके पास हमने क्या किया ब्लू लिटमस पेपर लेकर के हम गए ठीक है तो ये एसिड है जब ब्लू लिटमस पेपर के पास लेकर जा रहे हैं तो इसका कलर ही चेंज नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है बिकॉज क्यों नहीं करेगा बिकॉज क्योंकि क्या है ड्राई फॉर्म में ये H+ प्लस आयन रिलीज नहीं कर रहा है H प्लस आयन सेपरेट नहीं कर रहा है और जब तक H+ प्लस आयन सेपरेट नहीं होगा वो कंपाउंड एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा सपोज हमारे पास ड्राई एस सी एल है और हम इसके पास मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लेकर के जाते हैं ठीक है तो ब्लू लिटमस पेपर पे क्या है वाटर अवेलेबल है जैसे ही वाटर के मॉलिकुल इसके टच में आएंगे ये तुरंत एच प्लस आयन दे देंगे और जैसे ही H प्लस आयन मिलेगा वैसे ही ब्लू लिटमस इज कन्वर्टेड इन टू द रेड ठीक है तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड जो भी प्रॉब्लम होती है वीडियो में आप पूछ सकते हैं थैंक यू